fine now. मेरे कनाडा के भाइयों बहनों बच्चों नौजवानों बुजुर्गों, मैं सबसे पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा, सिर्फ एक थोड़ा सा आपसे शिकायत कि अभी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत थे। आपने कुत्ते की तोहिन की थी। जान से मेरी हिफाजत करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं शबीर आपका, आपकी टीम का कोऑर्डिनेटर्स का, मैं पहले तो आपको मुबारक देता हूं कि आपने तरीके इंसाफ को कनाडा में टोरंटो में बड़ी तेजी से आपने इसको मुनज़्ज़म किया। लेकिन जो मैं आप चाहता हूं आपसे कि आप फौरी तौर पर जब चैप्टर्स कंप्लीट करें तो आप पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाएं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ का हर ओहदे पे इलेक्शन होगी और ये वो पाकिस्तान की पार्टी बनेगी जो एक इदारा होगा, फैमिली पार्टी नहीं होगी, एक इंस्टीट्यूशन होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज शौकत खानम, आप सारे पाकिस्तान में एनजीओज की सर्वे हुई, शौकत खानम सबसे मुनज़्ज़म एनजीओ में आ जाओ। लेकिन शुरू में हमें बड़े मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ा, तो इसलिए तरीके इंसाफ बहुत मुश्किल काम, कोई पाकिस्तान में इसका प्रेसिडेंस नहीं कि एक पार्टी ऑपोजिशन में बनी, दो दफा दावत हुई हुकूमत का हिस्सा बनने की, ऑपोजिशन में रही, नजरिए पे रही, एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में नहीं पली और सरवाइव कर गई। और तेजी से आज आप सबको मैं ये बता दूं कि सारे पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी तेजी से बढ़ रही है वो तहरीक इंसाफ है। मैं ये चाहता हूं कि आप जरा मेरी आप गौर से बात सुने कि मैं सियासत में कैसे आया। मेरा कोई सियासत में इंटरेस्ट नहीं था। मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की वालदा को कैंसर की तकलीफ में देख के मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिधर एक आम आदमी आके अपना इलाज करवाए और उसको इतने महंगे कैंसर के इलाज के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं तो उसको फिक्र ना। ये सोच मां की तकलीफ देख के मैंने सोचा कि गरीब आदमी बेचारा क्या करता है अगर उसको कैंसर हो जाता है। और मैंने देखा भी एक गरीब आदमी को मेयो हॉस्पिटल में जब मैं अपनी वालदा के लिए एक डॉक्टर को लेके आ रहा था तो बेचारे उसकी शक्ल मैंने देखी, अंदर आया, पर्ची पकड़ी हुई, उसने वो जो असिस्टेंट था डॉक्टर का उससे पूछा कि ये मैंने दवाइयां सारी ले ली है, उसने कहा नहीं अभी आपने दवाइयां लेनी है, दवाइयां और पर्ची देख। तो बड़ा उसकी शक्ल पे एक ऐसा एक अफसोसनाक और एक डिप्रेस शक्ल उसकी मैंने जब देखी तो मैंने उसे पूछा कि क्या वजह है, कौन सी दवाई मांग। उससे कहा इसका भाई कैंसर से मर रहा है, ये देहात से उसे लेके आया है, सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात उसके साथ बैठता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है,
हम इतनी तकलीफ से सारे मेरी और मेरे घर वाले गुजर रहे हैं, तो इन बेचारों के ऊपर क्या गुजरती होगी कि गरीब घर में जब कैंसर होती है वो क्या करते होंगे। तो ये थी सोच कैंसर हॉस्पिटल की। और मैं उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई मुझे इतना मैं कोई खराब देने वाला आदमी नहीं था और ना ही मेरा कोई सोच पॉलिटिक्स में थी। तो जब मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाने निकला तो सबसे पहले तो मैं गया अपने जो मैं जानता था, मेरे स्कूल में लोग पढ़े हुए थे, एचएसएन कॉलेज सबसे अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग मेरे साथ पढ़ते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनके पास जाऊंगा, पैसा इकट्ठा कर लूंगा और हॉस्पिटल बना दूंगा। तो जब मैं इनके पास गया अपने उन लोगों को जिनको मैं जानता था, बड़ी उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की लेकिन पैसा कोई नहीं दिया। और मुझे तब एक इंकशाफ हुआ कि इंसान का बैंक बैलेंस और उसकी फराख दिली में कोई कनेक्शन नहीं है, जेनरोसिटी में और पैसे में कोई कनेक्शन नहीं है। बहरहाल मैंने उसके बाद कोई तीन साढ़े तीन साल सारी दुनिया में जिधर पाकिस्तानी थे उधर मैं पहुंच गया, इधर भी आया। टोरंटो था, वहां इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी आपकी, नुसरत फतेह अली खान को लेके आया, अभी उनको जानता भी कोई नहीं था उन दिनों में। पैसे इकट्ठे करने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं वो उन उन जगहों पे गया हूं जिधर पता चला पाकिस्तानी में मैं पहुंच गया। मैंने ये फैसला किया कि मैं सिर्फ पैसे पाकिस्तानियों से इकट्ठे करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करने में मुझे शर्म नहीं आती थी, लेकिन कोई गैर पाकिस्तानी से मैं पैसे मांगूं वो मैं समझता था कि एक तौहीन है। और मैं अपनी और मुझे शर्म आती। तो खैर मैं अभी 94 की बात हुई, अब हॉस्पिटल खोल रहे हैं हमने December 29, 1994 में। अब अक्टूबर में हम देखते हैं कि 12 करोड़ रुपए का खसारा है, हम 12 करोड़ रुपए अगर नहीं इकट्ठा करते हॉस्पिटल नहीं खुल सकता। डॉक्टर्स आ गए थे, नर्सेज आ गए थे, उनकी तनख्वाहें देनी थी, इक्विपमेंट के पैसे देने थे, अब 12 करोड़ के ऊपर फंस गया था। मैं भी अब सारी दुनिया के चक्कर लगा चुका था, जो पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत लोग पैसे देने वाले थे उनके पास जब मैं जाता था वो दूर से कह देते थे कि बाहर से कह लो कि हम ऑफिस में नहीं है, उतने तंग आ गए थे मेरी शक्ल देख देख के। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मैं मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये जो तुम जब भी पब्लिक में जाते हो तो आम लोग आपको कोई 500 रुपए पकड़ा देता था, कोई 1000 रुपए पकड़ा देता था, तो उन्होंने कहा पब्लिक में निकल जाओ। अब मैं बिल्कुल पब्लिक का आदमी कभी नहीं था, मैं वो था जिसको जिससे तकरीर भी नहीं होती। मैं जब टीम का कैप्टन बना, आपको यकीन आपको ये नहीं आएगा कि मैं वो 10 खिलाड़ियों को तकरीर नहीं शुरू में कर सकता था। मैं उसको कहता था मैनेजर को कि ये ग्रुप प्लेयर को बताओ जब मैं कह रहा है। तो मेरे लिए पब्लिक में निकलना एक अजीब चीज थी, लेकिन अब मजबूरी थी, हॉस्पिटल बनाना है, ढांचा खड़ा हो रहा था, 12 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो मैंने 29 शहरों का दौरा किया 6 हफ्ते, खैबर से लेके मैं गया कराची तक। कराची नहीं, उन दिनों में MQM का कोई जोर था, कत्लेआम फिर से तब भी हो रही थी, तो मैं कराची के अलावा 29 शहरों में गया 6 हफ्ते में। और सुबह मैं स्कूलों से शुरू करता था, स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा, उनको मैं छोड़ देता था अपने माँ बाप के ऊपर पैसा इकट्ठा करने के। और स्कूल के बच्चे क्रिकेट के शौकीन थे, वो जो उन्होंने इनकलाब लेके आए सड़कों पे, उनको मैं जो ज्यादा पैसे इकट्ठे करता था उसको बल्ला देते थे, बैट देते थे, फिर एक खाना भी मेरे से होता था जो ज्यादा सबसे ज्यादा। तो उन्होंने जो इंतहा मचाई वो तो एक और दास्तान है। तो मैं सुबह स्कूलों में से पैसे इकट्ठे करता था 2 बजे तक, फिर 2 बजे मैं निकल जाता था।